फॉर नेशन की एक पुकार, घर पर रहिए सपरिवार, स्टे होम स्टे से। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ राजमोहन सिंह। देखिए, बिहार से बाहर कोटा में जो बिहार के छात्र फंसे हुए हैं, उनका मुद्दा जो है वो लगातार विपक्ष उठा रहा है और सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। नीतीश सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि कई सारी तस्वीरें आई जिसमें जो छात्र हैं वो अनशन करते हुए नजर आए कोटा में, और यही वजह है कि लगातार उनसे सवाल किया जा रहा है। तेज प्रताप यादव लगातार अनोखे तरीके से सवाल करते हैं नीतीश सरकार से। अब एक बार फिर जो है तेज प्रताप यादव ने एक अनोखा तरीका अपनाया, उन्होंने जो है सद्बुद्धि यज्ञ किया है, और सद्बुद्धि यज्ञ के जरिए नीतीश सरकार को कहा जा रहा है कि वो ये यज्ञ इसलिए कर रहे हैं ताकि नीतीश कुमार को सद्बुद्धि आए और वो बिहार के बाहर फंसे बिहार के छात्रों को लेकर कोई सही निर्णय ले पाए। तेज प्रताप यादव ने ट्वीट किया है कि सुनो घोटालों के सरताज, बिहार का भविष्य बिहार के बाहर है, दाने दाने को मोहताज। ये ट्वीट उन्होंने किया था सुबह और बताया था कि आज वो सद्बुद्धि यज्ञ करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बुद्धि की प्राप्ति के लिए। अब ये तस्वीरें आ गई हैं जिसमें वो हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, और बता रहे हैं कि ये जो हवन है, ये जो यज्ञ है, ये उन्होंने किया है मुख्यमंत्री की सद्बुद्धि के लिए, ताकि जो बिहार के भविष्य, जो बिहार के बाहर फंसे हुए हैं, दाने दाने को मोहताज हैं, उनके लिए जो है सद्बुद्धि आए नीतीश कुमार को, और उस सद्बुद्धि जो है वो इस यज्ञ के बाद आ जाए, ताकि माता रानी से मुख्यमंत्री जी को सद्बुद्धि देने की मांग करूँगा, ताकि जो बिहार के बाहर भविष्य के, जो बिहार के फंसे हुए हैं, जो बच्चे फंसे हुए हैं, उनको लेकर जो नीतीश कुमार हैं वो सही निर्णय ले पाए, उनको वापस जो है बिहार लाया जाए। तमाम तरह के आरोप जो है तेज प्रताप यादव लगातार ट्विटर पर लगा रहे हैं, सोशल मीडिया पर लगातार जो है वो निशाना साधा जा रहा है। इस कोरोना के काल में तेज प्रताप यादव अपने अनोखे अंदाज से लगातार सरकार पर हमले कर रहे हैं। वहीं तमाम दिहाड़ी मजदूरों को, गरीबों को खाना भी लगातार खिला रहे हैं, लालू की रसोई भी चला रहे हैं, और अपनी तरफ से मदद भी कर रहे हैं तेज प्रताप यादव। साथ ही साथ ये जो सद्बुद्धि यज्ञ कराया है, इसकी तस्वीरें आई हैं, आप वीडियो देखिए, आपको इस वीडियो के साथ छोड़े जाते हैं। हवन कराने का हमारा है प्रयोजन कि यहाँ पे हमारी जो सरकार है नीतीश कुमार जी की, वो पूरे तरीके से सो चुकी है, और 1500 से भी ज़्यादा बच्चे लोग उधर अब कोटा में फंसे हुए हैं, और लेबर क्लास हैं, मजदूर लोग हैं, किसान लोग हैं, तमाम लोग बाहर अदर स्टेट में भी हैं, तो उनको वापस लाने के लिए यह हवन पूजा, और नीतीश कुमार जी की बुद्धि खराब हो गई है, उनका बुद्धि को वापस लाने के लिए यहाँ हवन पूजा हम लोग करने का काम कर रहे हैं। तो अदर स्टेट क्यों ला रही है? अदर स्टेट भी तो लाने का काम कर रही है अपने अपने राज्यों में। तो नीतीश कुमार जी क्यों सोए हुए हैं? नीतीश कुमार जी अभी जाग जाएं। आप क्या इच्छा जता रहे हैं? हम इच्छा जता रहे हैं, भगवान से यही कामना कर रहे हैं कि जितने भी इस महामारी में, जो लॉकडाउन की स्थिति में, जो कुछ बच्चियाँ लोग भी ढेर सारी जो कि फंसी हुई हैं, तो वहाँ अकेले रह रही हैं, तो वह रहना भी ठीक नहीं है। तो हम ये चाह रहे हैं कि तमाम लोगों को वापस लाया जाए, अपने लोगों को तो कम से कम वापस लाया जाए अपने स्टेट में। हमारे तरफ से है बस वगैरह का हम व्यवस्था किए हैं, अगर नीतीश कुमार जी हमको परमिशन दें तो हम चले जाएंगे उनको लाने के लिए। अब नीतीश जी की बुद्धि कहाँ, कौन जानता है, वो तो भगवान भी नहीं जानते हैं कि उनकी बुद्धि कहाँ चली गई है। अब क्या सोच रहे हैं वो? तेजस्वी जी के लाने के लिए कहाँ कोई तैयारी चली? वो अपने, जैसे लॉकडाउन में जिस तरीके जो लोग थे वो अपने घर पे हैं, वहाँ दिल्ली में हमारा घर है, वहाँ हैं, वो सुरक्षित हैं पूरे तरीके से। हम हैं ना बिहार की जनता के लिए, एक भाई वहाँ है तो एक भाई यहाँ है, वो भी तो
वो वीआईपी पास बना के आ सकते थे, लेकिन उन्होंने उल्लंघन नहीं किया भाजपा नेताओं के तरह।